सैचुरेशन रीजन में है, तो आप ये ध्यान रखो कि ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज आपको मिल रहा है, ये VCE, ये ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल मिल रहा है। देखो यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया थोड़ा ऊपर बनाया है, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल बिल्कुल डेसिमल में है, बिल्कुल फ्रैक्शन में, बिल्कुल जीरो के क्लोज है, मिनिमम है बिल्कुल, ठीक है, मिनिमम येट कॉन्स्टेंट। तो ये कंडीशन आपको, दो कंडीशन याद रखनी है सैचुरेशन रीजन के लिए, इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे, मुश्किल क्वेश्चन आता है तो भी। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, ये हो गया हमारा सैचुरेशन रीजन, और अब हम देखें तो क्वेश्चन आ गया, वेट, ठीक है। और हमने क्या देखा, ये डिलीट कर रही हूँ, कर दू? नहीं, डिलीट नहीं करती, यहीं पे और कुछ कुछ बातें हैं वो बता दो। पहले मैंने क्या बोला कि बीटा, बीटा आपका क्या है, करंट गेन, बीटा आपका क्या है, करंट गेन, या फिर इसे क्या भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं एम्पलीफिकेशन गेन, कलेक्टर एम्पलीफिकेशन गेन। क्या था? आउटपुट करंट। आउटपुट करंट मतलब इस केस में याद रखना क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस केस में जो आउटपुट करंट है वो है आईसी, और जो इनपुट करंट है वो है आईबी। तो बीटा कितना होता है? आईसी बाय आईबी। इसी के हिसाब से आप अलग अलग गेन बना सकते हैं, आप वोल्टेज गेन बना लो, आप क्या बना लो, वोल्टेज गेन बोला, वोल्टेज गेन ले लें। वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। समझ में आ रही है बात? अब आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, आई बी इंटू आर बी, इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस, सॉरी आउटपुट लेना है यहाँ पे। आउटपुट वोल्टेज अगर मैं निकाल रही हूँ, तो अब मैं उसे आउटपुट वोल्टेज के टर्म में लिख लूँ, तो आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया आरसी। इनपुट वोल्टेज क्या होगा मेरा, इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आरबी। तो ये हो जाएगा आईबी इनटू आरबी। अब देखो यहाँ पे ये आईसी बाय आईबी क्या हो गया आपका, करंट गेन हो गया, तो इसे ऐसे लिखे बीटा इनटू, और ये आरसी बाय आरबी क्या हो गया, इसे ज्यादातर तो ऐसी आरसी बाय आरबी के फॉर्म में लिखते हैं, कहीं कहीं पे ये ऐसा लिखा रहता है बीटा इनटू ऐसा आर, ऐसे डॉट बना रहेगा, तो उसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस गेन। रेजिस्टेंस गेन का मतलब क्या हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस, तो उसे क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। तो ये आपका आ गया वोल्टेज गेन, एक अपन ने क्या देख लिया, करंट गेन, एक देख लिया वोल्टेज गेन। अब अगर मैं आपको निकालने बोल दूं पावर गेन, तो पावर गेन, पावर क्या होता है, पावर कितना होती है, पावर क्या होती है, व्हाट इज पावर मैम, ए बाय टी, सॉरी मैम, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। ओके, अभी हम 11th क्लास की फिजिक्स में नहीं है ना, एनर्जी बाय टाइम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 12th के हिसाब से बताइए वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। कम ऑन। अरे कोई तो बताओ, व्हाट इज पावर, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, वी इनटू आई, क्या होती है पावर, पावर होती है वी इनटू आई। तो अगर मुझे पावर गेन लिखना है तो मैं लिखूंगी वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन हमें मालूम है, निकाल लिया हमने एवी, तो पावर गेन कितना हो जाएगा, पावर गेन हो जाएगा मेरा एवी इनटू करंट गेन, करंट गेन हो गया मेरा बीटा। ये इजी फॉर्मूलेज हैं, बस ये ही इतने स्क्रीन पे जितने फॉर्मूलेज दिख रहे हैं, इन्हीं फॉर्मूलेज से आप पूरे ट्रांजिस्टर के नीट जेई के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें से कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। Yes, doubt? Any doubt? No doubt? अरे कुछ बोलो तो। No ma'am.
नो मैम की यस मैम क्या मैम दावोनी जी ठीक है ओके तो फिर क्वेश्चन करो यस क्वेश्चन क्या कह रहा है नीट 2018 का क्वेश्चन है कोई मुझे आंसर बता दे देखो इसकी थ्योरी भले ही थ्योरी में बहुत टाइम लगता है लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स के हिसाब से देखें तो बहुत इजी है ठीक है तीन चार फॉर्मूलेज है वही यूज करना है क्या कहना है इन द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज वी आई इज 20 वोल्ट ये जो इनपुट वोल्टेज है ये कितना दिया है 20 वोल्ट दिया है ठीक है और वी बी ई ये जो वोल्टेज है VBE ये कितना है जीरो है VCE ये जो वोल्टेज है VCE ये भी कितना है जीरो है तो बोल रहे हैं बेस करंट फाइंड करो कलेक्टर करंट फाइंड करो और बीटा बीटा मतलब कौन सा गेन बीटा कौन सा गेन होता है करंट गेन जी करंट गेन तो क्या कह रहा है करंट गेन फाइंड करो ठीक है तो अब हम फाइंड करना शुरू कर देते हैं बताओ क्या होगा हाँ सारे फॉर्मूलेज लिख ले खुद खुद ब खुद समझ में आएगा बीटा हमारा होता था आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट ना मुझे आईसी पता ना मुझे आईबी पता तो अभी तो मैं ये फाइंड कर ही नहीं सकती लेकिन मुझे क्या पता है वहीं से शुरू करते हैं मुझे पता है कि यहाँ पे इन्होंने इनपुट वोल्टेज दिया है इनपुट वोल्टेज कितना दिया है 20 वोल्ट ठीक है तो इसके अक्रॉस हम क्या फाइंड कर लें इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दें ओम्स लॉ क्या कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू आई इंटू आर यही कहता है ना पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू आई इंटू आर तो ये जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा वी आई माइनस वी बी ई कितना हो जाएगा वी आई माइनस वी बी ई इज इक्वल्स टू करंट कौन सा करंट फ्लो करेगा यहाँ पे बेस करंट इंटू रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है वी आई हमें गिवन है कितना 20 तो वी आई की जगह मैं लिख रही हूँ 20 माइनस वी बी ई क्वेश्चन में गिवन है कि ये वी बी ई कितना है जीरो तो 20 माइनस जीरो इज इक्वल्स टू आई बी मुझे नहीं मालूम मुझे पता करना है और रेजिस्टेंस गिवन है हाँ गिवन है 500 किलो ओम तो 500 इंटू 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा बेस 20 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू बेस करंट बताओ कितना आ रही है ये वैल्यू कैंसिल करो और बताओ और मुझे आप कलेक्टर करंट भी बताओ आप लोग 14 डी आएगा जी आई बी इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर आईसी आएगा जी 5 एम्पीयर और बीटा 125 आएगा बीटा आएगा जी 125 डी आएगा जी इसका डी आएगा देखो बुक लेके भी अगर आप लोग बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बस समझ में आना चाहिए समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं है जी बात कॉपी कुछ नहीं है ओके वेरी गुड तो फिर बहुत अच्छी बात है ठीक है आपका बेस करंट कितना आ जाएगा 40 माइक्रो एम्पीयर आ जाएगा अच्छा सबका हो जाए सबका हो गया या मैं सॉल्व करके बताऊं सॉल्व करके बता दो जी ओके सॉल्व करके बता दें अच्छा देखो यहाँ पे आप कैंसिल आउट करो तो ये कुछ कुछ कैंसिल होगा 2 1 2 दिस विल बी 1/25 1/25 कितना हो जाएगा यस 1/25 हो जाएगा 0.004 0.004 है ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 40 माइक्रो एम्पेयर है ना आप लोग इसे बेसिक कैलकुलेशन है ये तो सॉल्व कर ही लेना ठीक है तो ये आ गया आपका 40 माइक्रो एम्पेयर अब सिमिलरली जैसे अपन ने यहाँ पे जो अपन ने के ओम्स लॉ लगाया था वही ओम्स लॉ आप इतने रीजन में लगा दो अब ये आपका है आउटपुट वोल्टेज तो ये कितना हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू ये देखो वी आउटपुट आपको दिया है 20 वी वी दिया है ना तो वी से ही लिखते हैं वी माइनस वी सी ई इज इक्वल्स टू आई सी इंटू ये आर सी इंटू आर सी फिर देखो क्या क्या गिवन है वी अपन को गिवन है 20 वी सी अपन को क्वेश्चन में गिवन है 0 आई सी तो मुझे पता ही करना है और आर सी अपन को गिवन है 4 किलो ओम मतलब 4 इंटू 10 की पावर 3
ठीक है, अब इसे कैंसिल करेंगे, 4 ones are 4, 4 fives are 20, तो ये कितना हो जाएगा, 5 into 10 की पावर -3, 5 into 10 की पावर 3 मतलब 5 mA, ठीक है। तो कौन सा सही हो सकता है, वैसे इसमें एक ही ऑप्शन था, ये सही हो सकता है, एक अपना 40 आ गया 40 माइक्रो एम्पियर और एक अपना आ गया 5, तो 5 तो इधर है ही नहीं, 5 इधर है, तो एक अपना ये सही होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस, समझ में आया, कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहना है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, हमसे कहना है इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 volts। कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना दिया है, 3 volts, मतलब कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज होगा, कॉमन एमिटर में कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अपना आउटपुट वोल्टेज होगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज दिया है 3 volts। ठीक है, आगे बढ़े? यस मैम। ना अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज 3 kilo ohm। फिर समझो, कलेक्टर का रेजिस्टेंस, कलेक्टर का रेजिस्टेंस मतलब आरसी, आरसी या फिर आरएल भी बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दिया है, 3 kilo ohm, मतलब 3 into 10 की पावर 3। आगे कह रहे हैं इफ द करंट गेन इज 100, अगर जो बीटा है, बीटा की वैल्यू, करंट गेन मतलब करंट गेन लिखा हो कहीं पे, या कहीं पे लिखा हो एम्पलीफिकेशन गेन, कलेक्टर एम्पलीफिकेशन गेन, दोनों का मतलब है बीटा। फिर कह रहे हैं बेस रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस मतलब आईबी, आईबी कितना दिया है, 2 kilo ohm, मतलब 2 into 10 की पावर 3। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या फाइंड करो, वोल्टेज गेन फाइंड करो और पावर गेन फाइंड करो, हमको क्या क्या निकालना है, वोल्टेज गेन और पावर गेन। तो वोल्टेज गेन कैसे निकालेंगे, वोल्टेज गेन को किससे लिखा था अपन ने, एवी, एवी कितना हो जाएगा, वोल्टेज गेन मतलब वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ठीक है, वी आउटपुट मतलब आउटपुट वोल्टेज, सोचो दिमाग में, आउटपुट वोल्टेज मतलब कलेक्टर के पास ओम्स लॉ लगाओ, कलेक्टर के पास ओम्स लॉ मतलब आईसी इनटू आरसी डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मतलब बेस, बेस मतलब आईबी इनटू आरबी, सारी वैल्यूज अब आपको गिवन है, आईसी देखो ये आईसी, आईबी क्या बन जाएगा, बीटा, बीटा आपको दिया है 100, ठीक, आपको दिया है 3 into 10 की पावर 3, तो लिखो 3 into 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय आईबी भी आपको दिया है 2 into 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल, 2 ones are 2, ये हो गया 50, 50 into 3 हो गया 150, बी इज द राइट ऑप्शन, पावर गेन तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्लियर? वैसे तो ये 33 में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, समझ, आप लोगों को समझा रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों को बस 30 सेकंड में, मान लो मैक्स टू मैक्स 45 सेकंड, बस 30 सेकंड में खत्म करना है, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? यस मैम। आगे बढ़े, कोई डाउट है? यस मैम। यस मैम बोलो, डाउट है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फॉर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फिर से हमेशा कॉमन एमिटर आता है, क्या कह रहे हैं, द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज, अच्छा देखो पीछे वाले क्वेश्चन में वी आउटपुट दिया है, बस इसका इतना यूज ही नहीं है, आउटपुट वोल्टेज डायरेक्ट 3 volts दिया था, पर इसका यूज नहीं है इतना, ठीक है, इधर देखते हैं क्या है, द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस मतलब आरसी, आरसी कलेक्टर मतलब आउटपुट वाला जो रीजन होगा, मतलब लोड रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2 kilo ohm, मतलब 2 into 10 की पावर 3 इज 4 volts, मतलब जो आपका ऑडियो सिग्नल लगा है, वोल्टेज लगा है कलेक्टर के अक्रॉस, वो कितना लगा है, 4 volts लगा है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, देखो मैं इसी की बात कर रही थी, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर लिखा हो या फिर क्या लिखा हो आपका, वोल्टेज गेन,
अगर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर लिखा हो या फिर क्या लिखा हो, मतलब एक ही होता है, किसकी वैल्यू दी है, बीटा की। बीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 100 गिवन है। आगे कह रहे हैं बेस रेजिस्टेंस मतलब आरबी कितना गिवन है, 1 किलो ओम, तो 1 × 10³। बोला इनपुट सिग्नल वोल्टेज कितना होगा, वी आई हमें फाइंड करना है। यस, 2 मिनट देती हूँ, सॉल्व करके बताओ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 20 मिली एम वोल्ट, ओके ठीक है। बाकी को वेट करते हैं, बाकी का क्या क्या आ रहा है, यही है जी 20 MV, सबका 20 MV, ओके कूल। ड्रायर, डक्टर बताइए क्या ड्रायर क्या, यो आया भाई 100 RB 1000, वो क्या नाम है, म्यू तुक्के ना मारे करे। Yes, समीर, don't do this. देखो अब यहाँ पे हम क्या, फिर देखो हमें इनपुट 0 आएगा, अरबा टाइम उसको कर गुणा मतलब मल्टीप्लाई कर इसका 20 MV आएगा। हाँ, ठीक है, ओके, सबका आ गया 20 MV, सॉल्व करके बताना है क्या, आ गया जी पक्का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मैम, यस कर लेंगे, ओके वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट एट कॉमन एमिटर मोड कंटेन्स लोड रेजिस्टेंस ऑफ 5 किलो ओम, एक जो आपका कॉमन एमिटर है उसके अक्रॉस जो लोड रेजिस्टेंस है RL, वो कितना दिया है, वो दिया है 5 किलो ओम मतलब 5 × 10³ ohms। आगे कह रहे हैं इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस मतलब इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आरबी, आरबी कितना दिया है 1 किलो ओम, तो मतलब 1 × 10³। आगे कह रहे हैं इफ द इनपुट पीक वोल्टेज इज 5 mV, अगर इनपुट का जो पीक वोल्टेज है मतलब जो मैक्सिमम वोल्टेज है। अच्छा देखो ये क्यों बोला है ऐसा, इनपुट पीक वोल्टेज इसलिए बोल रहे हैं कि कभी भी अगर एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई तो चेंज होती रहती है ना, मिनिमम से मैक्सिमम होती रहती है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एसी सप्लाई है उसका जो पीक वोल्टेज है इनपुट का, वो अपन को दिया है कितना, 5 mV। ठीक है, पीक वोल्टेज इसलिए बोला है कि जो इनपुट होगा वो डीसी नहीं है बल्कि एसी है ना, जब एसी करंट पूरा पढ़ लेंगे तब आप लोग रिलेट कर पाओगे। आगे कह रहे हैं कि जो करंट गेन है, करंट गेन कितना दिया है आपको, 50, आपको वोल्टेज गेन निकालना है AV, तो वोल्टेज गेन तो बहुत इजी है, सब तो दिया है, हो जाएगा 250, ओके, सबसे हो रहा है, सबसे हो रहा है ना, यस मैम, सबका 250 हो गया। अरे तू कैसे आया बता, मेरा भी हाथ है ना थोड़ा अभी गड़बड़ चल रही है उसमें, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आप लोग से सॉल्व हो रहा है तो वेल।